मोहम्मद असफर नाम है मेरा, समंदर के किनारे एक दुकान है हमारी और हम सीपीयू का काम करते हैं सी शेल्स में, मतलब हम उन्हें साफ भी करवाते हैं, धुलवाते भी हैं और फिर उनको बनवाते भी हैं, मुख्तलिफ उनके ज्वेलरी भी है उसमें और डेकोरेशन के आइटम हैं, लैम्प्स वगैरह हैं, यानी कि इसमें पर्स भी आ जाते हैं, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम यहाँ खुद बनवाते हैं और जो है वो यहाँ अंदरून मुल्क भी जाती है और यहाँ से बाहर भी जाती है पाकिस्तान से, यहाँ से मतलब पेशावर, पंजाब, सिंध के इलाके, अंदरून सिंध के इलाके और मतलब अफगानिस्तान तक, ईरान तक भी जाते हैं, यहाँ से हम चीजें बेचते हैं। मुल्क की सुरताल के साथ हमारा भी ताल्लुक है, जिस तरह मुल्क की सुरताल खराब हुई हमारा भी कारोबार भी खराब हुआ उससे, ये कि जो अंदरून मुल्क हमारे जो जितने थे कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही हो गए, थोड़े बहुत जो जाए लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, या क्लिफ्टन आजकल छुट्टियां हैं 2 महीने की छुट्टियां हैं तो उसमें हमारा काम अच्छा होता है, लेकिन वो आजकल हालात की वजह से वो भी खराब हुआ है। ये हम समंदर में मुख्तलिफ लोग हैं समंदर से जो निकालने वाले हैं, बाकायदा माहिर जो कहते हैं वो निकालते हैं, फिर वो हम ला के देते हैं, फिर हम उनको धुलवाते हैं केमिकल वगैरह से, इसमें तेजाब से, फिर जो वॉश हो गया फिर ये हम उसको यहाँ हमारे कारीगर हैं हमारे पास मौजूद हैं, फिर उनसे बनवाते हैं। जी मेरा नाम अहमद यसर है, मैं सीख का कारीगर हूँ, ये माल वगैरह बनाते हैं और नीचे दुकान पे सेल मैंने भी करता हूँ। जितने भी आइटम हैं ना इसमें सीख में तमाम आइटम बना लेते हैं, अल्लाह मोहम्मद की जोड़ियाँ हो गई, शीशे वगैरह हो गए, इसमें दिल भी लगा रहता है और हम लोगों को सही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा काम है, हम लोग यहाँ खुश हैं। बिजनेस हमारा बहुत मतलब लो होता जा रहा है, मतलब ऑफिशियल हमें कोई बेसी नजर नहीं आ रही, ऐसी बात है हम कुछ कर रहे हैं, लगे हुए मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल इंसान मिल ही जाता है, तो कुछ करते हैं तो हो ही जाते हैं, काम हो ही अल्लाह शुक्र चल ही रहा है।